हेलो गाइस, वंस अगेन नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंबा वाला। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो आज जाने वाला हूं मैं मम्मी के साथ घास लाने। तो कैसे उसको काटते हैं, कैसे उसको घर में ले आते हैं वापस, ये सारा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा आज के व्लॉग में। तो बने रहिए व्लॉग में, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम ले चलेंगे अपने साथ शॉल, रस्सी और डराटी, जिससे घास काटा और लाया जाएगा। तो तकरीबन हमें लग जाएंगे कोई 20-25 मिनट। हमें जाना है ऊपर, आप देख सकते हैं वहाँ। तो दोस्तों, अभी अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और रास्ते में हूँ। आप ऊपर ये रास्ता देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाना है। मैं उठा चुका हूँ घास काटने और लाने का सामान, आप देख सकते हैं। अभी कर रहा हूँ मैं मम्मी का वेट, हम डंगरों को भी साथ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे डंगर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी पहुंच चुके हैं हम आधे रास्ते में, आप देख सकते हैं। मम्मी आगे चले हैं डंगरों को लेकर। तो थोड़ी चढ़ाई है ऊपर, बस कोई 2 मिनट लगेंगे, नज़दीक ही है। तो बने रहिए व्लॉग में। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वहां जहां पर घास काटना है। तो आप ये देख सकते हैं, डंगर भी साथ में हैं। तो अभी खा रहे हैं हम अखरोट और भुट्टे। तो चलिए आपको मिलवाता हूं मेरी जहान, मेरी दुनिया, मेरी माँ से। ये है मेरे मम्मी। मम्मी हेलो कर दो। हेलो, हाल चाल भी पूछ लो। आप ठीक हो? हाँ। तो थोड़ी देर बाद बस हम घास काटना शुरू करने ही वाले हैं, बने रहिए व्लॉग में। तो गाइज, आप देख सकते हैं मम्मी ऑलमोस्ट काट ही चुके हैं सारा घास। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से बांधा जाता है डट्ठों को, और कोई 6 डट्ठे कर लिए हैं मम्मी ने, आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको रखा जाता है। अब इन डट्ठों को रस्सी में इकट्ठा ही बांधा जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसको उठाने वाला हूं और घर की तरफ रवाना होने वाला हूं। सो फाइनली गाइज, मैं चल चुका हूँ अब घर की तरफ। आप देख सकते हैं गाइज, वो जो सामने विलेज दिख रहा है, यही मेरा गांव है, यहाँ तक जाना है। तो दोस्तों, अभी अभी मैं पहुँच चुका हूँ आधे रास्ते में, और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आज मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला घास काटने का, बिकॉज़ आज हमारे डंगर भी साथ में थे। तो मैं उनके साथ रहा और मम्मी ने अकेले ही घास काट लिया। वैसे तो मैं प्रोफेशनली तरीके से घास नहीं काटता, मुझे नहीं आता काटना, बट ऐसा है कि कभी कभार मम्मी की हेल्प कर देता हूँ, उतना घास काट लेता हूँ। और ये बाकी जो घास ढोने का काम है, ये मैं खुद अकेले ही करता हूँ, मम्मी को कभी भी नहीं करने देता हूँ। और ऐसा घास हमें दोस्तों लगभग 2 दिन बाद रोज़ लाना पड़ता है, ये हमारी डेली रूटीन है। और पहाड़ों में मैक्सिमम या तो लोग शाम के टाइम जाते हैं इवनिंग टाइम में घास लाने, या तो
मॉर्निंग टाइम में जाते हैं, दिन में धूप बड़ी होती है तो उस वजह से कम ही लोग जाते हैं दिन में। तो आइए बढ़ते हैं हमारे रास्ते की ओर, घर की ओर। तो कुछ इस तरह से हमारे पहाड़ों में घास लाते हैं। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं घर। तो अंत में मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा कि क्या रखा है शहर की भीड़ भाड़ों में, क्या रखा है शहर की भीड़ भाड़ों में, आओ ना कभी हमारे पहाड़ों में। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही। और व्लॉग में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मेरे व्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल चंबा वाला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और दिन नए व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। नमस्कार।